भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीचे नेता सीताराम येचुरी यांनी एका मुलाखती दरम्यान म्हटले की देशातील पहलवान रस्त्यावर उतरत आहेत, परंतु सरकार गप्प आहे. आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांचे कौतुक करीत होते, आज काहीही बोलत नाही. सुप्रीम कोर्टानेही आदेश दिले तरीही काही कारवाई होत नाही. एकीकडे खेळाडू आंदोलन करीत होते आणि दुसरीकडे पंतप्रधान राज्याभिषेक प्रमाणे सेंगोल घेऊन संसदेत बसवत होते. वास्तविक पाहता राजे लोकांचा राज्याभिषेक होताना सेंगोल बसवला जातो. 2022 मध्ये 56 दिवस संसद भरली. पूर्वी 212 दिवस पार्लमेंट भरत होती. कायदे बनविण्यासाठी एक कमिटी असायची, परंतु आता सगळेच बदलले आहे. कोणत्याही कायद्यावर चर्चा न होता बिल पास होतात. नवीन इमारत बनवून उपयोग नाही, तर संसदेचे कार्य मजबूत व्हायला हवे. अदानींबाबत सरकार गप्प आहे, तर संसदेत जे प्रश्न विचारले ते रेकॉर्ड वरून काढून टाकले जात आहे. सरकार आणि राजतंत्र पासून त्यांना बाजूला ठेवले पाहिजे. विरोधी पक्षालाही देशाला सुधारण्याऐवजी वाचवावे लागते. भाजपलाही बाजूला ठेवण्यासाठी विरोधकांना एकत्र व्हावे लागेल. त्यासाठी आपापसातील काही गोष्टी बाजूला ठेवावे लागतील. सामूहिकपणे अजेंडा ठरवला पाहिजे. सर्वसामान्य माणसाला दिलासा दिला पाहिजे आणि अँटी बीजेपी मत मिळविण्यासाठी कामेही केले पाहिजेत. नितीश कुमार यांनी बोलविलेल्या बैठकीला काँग्रेस येणार नाहीत असे कोणी सांगितले, तर आम्ही 12 तारखेला पाटण्याला जाणार आहोत. आम्ही वाजपेयी यांना देखील टक्कर दिली. त्यांच्या शायनिंग इंडिया फील गुड फॅक्टरीला आम्ही घालवले. त्या काळी वाजपेयी शिवाय कोणी नव्हते आणि ईडी सीबीआयचा दुरुपयोग पूर्वी होत नव्हता. आता नवा पैंडा पडला जातोय. देशात कुठेही निवडणूक झाली तरी सरकार भाजपच बनवत आहे. भाजपला कोणी हरवत नाही ही अफवा पसरवली जाते. तर अनेक राज्यात भाजपला हरवत आहे. ईडी सीबीआय कारवाई योग्य असेल तर शिक्षा व्हायला हवी ना, असं देखील सीताराम येचुरी यांनी म्हटलंय. त्याचबरोबर तपास यंत्रणांनी 5700 केस दाखल केल्या. त्यापैकी 23 लोकांना शिक्षा झालीय आणि लोकांवर कारवाई करून त्यांना अडकवले जाते हे योग्य आहे का, असा सवाल देखील त्यांनी विचारलाय. नाव बदलल्याने इतिहास कसा बदलणार? हिंदू मुस्लिम यांच्या तेढ वाढविण्यासाठी नाव बदलले जाते. त्याचबरोबर ध्रुवीकरणाच्या माध्यमातून भाजप आपला फायदा करून घेतोय, असे देखील सीताराम येचुरी यांनी म्हटले. हर पहलू से अगर आप देखें तो ये बहुत एक गंभीर संकट में डूब रहा है. आर्थिक पैमाने पर आज ही आंकड़े आए हैं. आपका कोर सेक्टर जो होता है, 8 जो सेक्टर इंडस्ट्रीज है, उसका ग्रोथ रेट जो है 9.65% से घट के 3.6% पे उतरा है. अगर कोर सेक्टर की ये हालत है और एमएसएमई तो लुढ़के पड़े हैं, वो तो खुल ही नहीं रहे हैं, और अगर इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का ये हालत है तो बेरोजगारी और बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है. जो सरकारी आंकड़े जो है वो खुद दिखाते हैं कि सबसे अधिक बेरोजगारी आज के दिन है अपने देश के अंदर, उससे भी कई गुना ज़्यादा होगा. दूसरी तरफ महंगाई, आपकी बेरोजगारी की वजह से आमदनी घटना, और मनरेगा के लिए जितना वो एलोकेशन दे देते, जो थोड़ा बहुत गुजारा देता था ग्रामीण इलाकों में, उसके अंदर भी भारी कटौती. तो लोगों की रोजमर्रा जिंदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला चल रहा है. और अपने किसानों को जो वादा किया था न्यूनतम दाम पर वो MSP का घोषणा करेंगे, कानूनी अधिकार देंगे उनको, वो एक साल से ज्यादा हो गया. मोदी साहब ने खुद वादा किया था, एक साल से ज्यादा हो गया, वो लागू नहीं हो रहा. अब खेती के अंदर भी इस बार गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है उसके चलते हुए गेहूं का खेती में बहुत भारी कमौती होने की संभावना है, वो नजर आ रहा है. मतलब वो फसल जो आ रही है नजर आ रहा है. तो अब ये इसका मतलब ये है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जितना आपको धान वहां से वितरण करना है वो घटेगा. तो लोगों की जिंदगी की हालत जो है बिगड़ती जा रही है, इस पे सरकार का कोई चिंता नहीं. दूसरी ओर अपने देश के मतलब पहलवान सब सड़कों पे उतरा है, बेचारे उनके साथ जो अत्याचार हुआ. अब जब वो मेडल ले आते थे देश को, प्रधानमंत्री खुद और हम लोग सब बड़ा स्वागत करते थे उनकी, वाह वाह करते थे. अब जो है उनकी बात मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहने के बावजूद ये सरकार उसके ऊपर चुप है. आखिर एक महीने के बाद गृह मंत्री मणिपुर गए, वहां पे कहा जाता है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों की तादाद में लोग जो है डिस्प्लेस हो गए, और वहां पे कंट्रोल काबू नहीं पा रही है सिचुएशन. ये सब समस्याओं का के ऊपर ध्यान जो देना चाहिए सरकार को,
वो ना देते हुए लगे हुए थे अपने नए पार्लियामेंट की इमारत की उद्घाटन में। जरूरी है बिना इस संवैधानिक व्यवस्था को बचाए हुए, बिना अपने देश के अंदर जनतंत्र और धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, जो संविधान कहता है, उसको बिना बचाए हुए आज अपने देश को हम सुधारने की बात आगे है, लेकिन पहली बात है कि बचाना। तो इसलिए हम सभी सेकुलर पार्टियों से, डेमोक्रेटिक पार्टियों से हमारी अपील ये है कि साथ मिलकर आज अपने देश को बचाना है, संविधान को और जनतंत्र को बचाने के लिए आगे आए। तो बातचीत चल रही है, चर्चाएं हो रही है, मतलब विपक्षी पार्टियों के बीच में, और ये सिलसिला कि हर स्टेट में, हर प्रदेश में यही कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम गैर भाजपाई वोटों के अंदर बंटवारा कम से कम हो या ना हो। तो इसकी प्रयास जो है ये हर स्टेट में, स्टेट की जो वहाँ की ठोस परिस्थितियां है उसके आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा। अब 12 तारीख को नीतीश कुमार जी ने एक मीटिंग बुलाया है पटना में। अब इस तरीके से मीटिंगें कई सारे होंगी आने के सामने, तो कौन बुलाया, कौन है नेता, मतलब सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि सलो मिश्रा जो है ये होता रहेगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि हमने कहा कि तीन रास्तों पर साथ ही साथ चलना है। पहला रास्ता कि जिन मुद्दों पर पार्टियों के अंदर सहमति है, जैसे जनतंत्र की बचाओ, संविधान की बचाओ, सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण के खिलाफ, अडानी के मतलब इस तरीके से जो स्कैम्स हो रहे हैं उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन, इन सवालों पे जहाँ पर सहमति है वहाँ पर एक राष्ट्रीय अभियान जो है ये पार्टियाँ सामूहिक तरीके से मिलकर करें। दूसरी रास्ता ये है कि साथ ही साथ जो चलना चाहिए, जो आम मेहनतकश लोगों की जो समस्या है, जिंदगी की जो हालत है, अभी जो मैं बता रहा था जो परिस्थितियां हैं, उससे राहत दिलवाने के लिए हम विरोध में उतरे, विरोध प्रदर्शनों में, प्रोटेस्ट एक्शन में उस पर उतरे। तीसरा रास्ता कि हर प्रदेश के अंदर वहां की ठोस परिस्थितियों के अनुकूल अनुसार मैक्सिमम यूनिटी जो है वो हो आपकी नॉन बीजेपी पार्टियों में, ताकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ एंटी बीजेपी वोट, वो है मकसद, उसके लिए प्रयास करें। तो इसके आधार पर अब ये चर्चाएं चल रही है और हम समझते हैं कि जैसे 2024 नज़दीक आएगा ये फ्रक्टिफाई होगा। पार्लियामेंट्री कमेटियां होती, हम खुद एक कमेटी के चेयरमैन रहे हैं कुछ तकरीबन 10 साल, और वो कमेटियों के अंदर हर जो विधायक जो पार्लियामेंट के अंदर पेश होता है वो अपने अपने रेलेवेंट कंसर्न कमिटीज के अंदर उसके बारे में विश्लेषण होती है, चर्चा होती है, स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है। अगर मीडिया पॉलिसी के बारे में कोई नई कानून है तो आप लोगों को बुलाया जाता है, आपकी बात सुनते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया पूरा बंद, 76% जो है विधायक मनमोहन सिंह के 10 सालों में ये पार्लियामेंट्री कमेटी में गई, अब मोदी साहब के चलते हुए 13% जो है इन कमेटियों में गए। बजट पास हो जाता है आपके, ये क्या खेती की कानून पास हो जाते हैं, लेबर कोड्स पास हो जाते हैं बिना कोई बहस के। 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अधिकार सरकार अपने हाथ में लेती है बजट के नाम पे, 7 मिनट के अंदर, यानी मंत्री पेश करता है, उसके ऊपर हाँ ना की मतलब वॉइस वोट होती है, उसके बाद वो फिनेंस बिल पेश होती है, वॉइस वोट होती है, 7 मिनट में सब प्रक्रिया खत्म, सरकार को अधिकार मिल गई 50 लाख करोड़ रुपए को खर्च करने का। अब ये इस तरीके से खिलवाड़ हो रही है पार्लियामेंट, इस समय नई इमारत बना के कोई मतलब नहीं है। पार्लियामेंट की जो असली उसकी बुनियाद है, उसका काम जो है उसको अब मजबूत करना, वो है मुख्य रूप से जरूरत। तो इन सब के साथ ये नफरत की वातावरण, हिंसा की वातावरण, और इस सब के चलते हुए ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और कोई सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। अडानी कांड में हर दिन
नए सबूत निकल रहे हैं कि कुछ ना कुछ घपला हो रहा है, लेकिन उसके बारे में प्रधानमंत्री चुप। पूरा का पूरा पार्लियामेंट सेशन ही खत्म कर दिया क्योंकि जवाब नहीं देना चाहते। सवाल जो पूछे गए सांसदों की तरफ से, उन सवालों को आपने रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया। तो कल को कोई बोलेगा कि ये सरकार जवाब नहीं दे रही है, उल्टा सरकार कहेगी कि सवाल ही नहीं पूछा तो हम जवाब कैसे दें, क्योंकि वो सवाल है ही नहीं रिकॉर्ड पे। अब इस तरीके की बात जो हो रही है, इसे हम कहते हैं कि ये सब तरीके से ये चल रहा है। ये जरूरी है कि आज के दिन इस सरकार को, मतलब अपने सरकार और सरकार की और राजतंत्र से इनको अलग रखना जरूरी है। भारत की संविधान को बचाना है और भारत के अंदर जनतंत्र को बचाना है।